प्रसन्नवदनम् नीलाद्रिनाथं भजे मंथन के सभी दर्शकों को सुप्रभात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपशिखा यादव। भगवान तो कण कण में हैं, लेकिन उनके चतुर्भुज रूप के दर्शन आसानी से नहीं होते। लेकिन पुरी के नव कलेवर उत्सव में जगन्नाथ भगवान नीम के पेड़ से प्रकट होते हैं। आप भी देखिए कि कैसे इस नीम के पेड़ में शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान उभर आए हैं। मिल गया नीम का चमत्कारी पेड़, पेड़ पर मिले शंख, चक्र, गदा के निशान, नीम वृक्ष से प्रकट होंगे जगन्नाथ भगवान। आज्ञा लेकर हम लोग आए हुए हैं यहीं पर, और जैसे आप देख रहे हैं सुदर्शन महाप्रभु जी यहाँ पर विराजमान हैं। हम लोग 140 पेड़ देख चुके हैं, उनमें से यही एक सुदर्शन चक्र के लिए ठीक रहा। सुदर्शन महाप्रभु ये भक्तों के लिए यहीं पर विराजमान थे और यहीं से निकलकर शिव मंदिर को जाएंगे। संसार में भगवान की प्रतिमाएं तो बहुत हैं, लेकिन पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सशरीर विराजते हैं। आपको दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं मिलेगा जहां वो शरीर धारण करके भक्तों को दर्शन दे, और ये सौभाग्य मिला है पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी को। और यही भगवान जगन्नाथ एक बार फिर प्रकट होने वाले हैं। जी हाँ, पूरे 19 साल बाद जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमाओं का नौ कलेवर उत्सव यानी नई प्रतिमाओं को गढ़ने की प्रक्रिया जोरों पर है। भुवनेश्वर के पास मिला नीम का पेड़, हीरापुर गांव में लगा भक्तों का मेला, हीरापुर गांव में मिला नीम का पेड़। प्रभु सुदर्शन के लिए ये दारुवन स्पर्ट किया गया है, और मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर। और सुबह से आया हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतना भीड़ है, इसीलिए कि दैतापति लोगों ने आए थे। और यहाँ पे जो पेड़ नीम का पेड़ है वो सुदर्शन दारू बनाने के लिए पूरा मार किया गया है। इसमें इसलिए के शंख, चक्र और गदा पद्म वो है, तीर भी है, और सुबह उसमें नाग की छाप भी निकला था इसमें से। प्रतिमाओं के नौ कलेवर की शुरुआत होती है उस अद्भुत पेड़ की खोज से, जिसके बाद गढ़ी जाती हैं ये प्रतिमाएं। रामनवमी के बाद 5 अप्रैल को बाढ़ जगह यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में ही वो पेड़ खोजने की शुरुआत होती है जिससे गढ़ी जानी है सारी भगवान की प्रतिमाएं। नव कलेवर होने वाले हैं, महाप्रभु जगन्नाथ नया रूप बनेंगे। रामनवमी के दूसरा दिन इसका यात्रा शुभारंभ होता है, बनजाग यात्रा इसको बोलते हैं। महाप्रभु के द्वैतापति सेवायत लोगों ने भगवान की आज्ञा लेकर के, आज्ञा माल लेकर के चलते हैं दारू संधान के लिए। इसमें सबसे पहले मिला नीम का वो पेड़ जिसकी लकड़ी से जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बनाई जाएगी। ये पेड़ मिला भुवनेश्वर के पास हीरापुर गांव में। सुदर्शन दारू For the Navkalevar Festival has been identified. नवकलेवर उत्सव के लिए सुदर्शन दारू हरिपुर में पहचाना गया है, तभी से यहां भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग बहुत उत्साहित हैं। Already there is a lot of enthusiasm among the local people as well as people of Bhuvaneshwar. तो पूरा 140 पेड़ देखे हुए हैं, देखे जैसे नयागढ़ में, जगत सिंहपुर में, ऐसे लगभग बहुत जगह पर हम लोग देख के आए हुए हैं। और पहला सिस्टम हम लोगों का रहता है, एक के बाद हम एक डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद बताया जाएगा कि कैसा क्या होगा। अभी एक जो जैसे आप देख रहे हैं सुदर्शन भगवान जी को वो दर्शन मिलेगा, उसके बाद सुदर्शन चक्र निकलने के बाद अभी उसके बाद बलराम जी को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि इस पर शंख, चक्र और गदा के साफ साफ निशान मिले हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म रहता है भगवान जी जो पेड़ में, और उसके साथ में जो साड़ा पेड़ है और बेल पेड़ है, इसी माफिक सब चिन्ह रहता है, इसी को लेकर हम लोग देखते हैं। और हम लोगों के जो बड़े सब रहते हैं उनके साथ डिस्कशन करते हैं,
और भगवान जी का आशीर्वाद से ये सब हुआ है। और यहीं से हम लोग यहाँ से जगन्नाथ जी का पहला यात्रा जो सुदर्शन चक्र है वहीं से यहीं से निकलेंगे रथ पर। जब से हीरापुर गांव में ये पेड़ मिला है वहाँ लाखों की संख्या में भक्त इकट्ठे होने लगे हैं इस अद्भुत पेड़ के दर्शन के लिए जिससे प्रकट होंगे जगन्नाथ भगवान। भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं इसलिए बैरिकेडिंग करके हम लोगों को संभाल रहे हैं ताकि दारू भ्रम के पास जाने से रोक सकें। पुलिस इज कंट्रोलिंग क्राउड एट द मोमेंट थ्रू टेम्पररी बैरिकेड। लोग अभी से इस पेड़ की पूजा अर्चना शुरू कर चुके हैं। इसको आएंगे और पूजा अर्चना होगा, यज्ञों भी होगा और दारू पेड़ के काटने के बाद उसको बेलगाड़ी से लेके जाएंगे पूरी और वहाँ पे दर्शन दारू बनेगा। हीरापुर गांव में ये तो पेड़ बहुत पहले से था लेकिन तब लोगों को ये नहीं पता था कि ये वही चमत्कारी पेड़ है जिसमें से जगन्नाथ भगवान प्रकट होंगे। गोविंद परमेश्वर विष्णुर जिष्णुर महाविष्णु। फिलहाल जिसे जितनी देर मौका मिल रहा है वो उतनी देर तक इस पेड़ को निहार रहा है। ज्योति गोयल के साथ शेखर त्रिपाठी, जी मीडिया, ओडिशा। जगन्नाथ मंदिर में नवकलेवर की इस प्रक्रिया में अभी पहला पेड़ मिला है, बाकी के दो वृक्षों की खोज जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ तो मिल गया लेकिन क्या इसे काटा जाएगा? आखिर जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा कहां बनेगी, उसमें कितने दिन लगेंगे और क्या आषाढ़ में होने वाली रथ यात्रा में नई प्रतिमाओं के दर्शन होंगे? ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं नवकलेवर की इस प्रक्रिया में। दर्पभंजन महासौंदर्य नेत्रद्वयं मुक्ताहार विलंबि हेम मुकुटं रत्नोज्वलत कुंडलम्। 14 अप्रैल को 48 घंटे का कीर्तन शुरू। सोने चांदी कुल्हाड़ी से कटेगा पेड़। रथ यात्रा में होंगे नई प्रतिमाओं के दर्शन। उड़ीसा का एक छोटा सा गांव हीरापुर, तब यहां के लोग नहीं जानते थे कि उन्हीं के गांव के नीम के पेड़ में छुपे हुए हैं जगन्नाथ भगवान। नौकलेवर यानी भगवान का नया शरीर। स्कंद पुराण के उत्कल खंड में तो लिखा ही है कि पृथ्वी पर सिर्फ पूरी ही एक स्थान है जहां भगवान शरीर रूप में विराजमान है और नौकलेवर उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें भगवान के श्री विग्रह यानी जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी और सुदर्शन जी की पुरानी प्रतिमाओं को नई मूर्ति से बदला जाता है। हिंदू कैलेंडर में जब अषाढ़ के 2 महीने पड़े तभी होता है नौकलेवर। ये संयोग 12 या फिर 19 वर्षों में एक बार होता है। भगवान का इससे पहले 1996 में नौकलेवर हुआ था। भगवान के विशेष विग्रह नीम की विशेष लकड़ियों से बनते हैं जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। इसमें न सिर्फ मूर्तियां बदली जाती हैं बल्कि एक रहस्यमय अनुष्ठान के जरिए भगवान की शक्ति नई प्रतिमा में स्थानांतरित की जाती है। श्री मंदिर के अंदर भगवान जी का नया मूर्ति बनेगा और पुरानी भगवान की भी अंदर से जो ब्रह्म है उनको निकाल करके दूसरा जो नया बना हुआ है जो मूर्ति उनके अंदर भर्ती किया जाएगा। वो भी एक शास्त्रीय मान्यता की तरह काम होगा और पुरानी मूर्ति को कोयली वैकुंठ जो मंदिर के अंदर है वहाँ पाताल किया जाएगा। ऐसा ही नवकलेवर का भगवान जगन्नाथ जी का उत्सव माना जाएगा। नवकलेवर की शुरुआत भगवान जगन्नाथ को दोपहर का भोग लगाने के बाद होती है। इसमें भगवान के भाई बहन के लिए 12 फुट की विशेष माला धन्व बनाई जाती है और गजपति महाराज से थोड़ा गुआ निमंत्रण लेकर के
जगन्नाथ वल्लभ मठ में एक दिन रुकेंगे, दूसरा दिन वो निकलेंगे माँ मंगला के तरफ। पूजा के बाद यही धन व माला दैतापति महापात्र परिवार को सौंप दी जाती है, जो पुरी से 50 किलोमीटर दूर काकतपुर तक मूर्तियों के लिए लकड़ी खोजने वाले दल की अगुवाई करते हैं। माँ मंगला काकतपुर के पास है उनका मंदिर, वहाँ जाकर के मंगला माँ को पूजा आराधना करके स्वप्नावती मंत्र पाठ करके वो स्वप्न में माँ मंगला ने दैतापति लोगों को संधान देते हैं कहाँ भगवान का दारू मिलेंगे। प्रतिमाओं के लिए लकड़ी खोजता दैतापति का दल पुरी के पूर्व राजा के महल में विश्राम करता है, फिर माँ मंगला दैतापति को स्वप्न में दर्शन देती हैं और उन्हें नीम के पेड़ का सही पता बताती हैं। वो माँ मंगला जी का स्वप्नादेश पा करके दैतापति लोग जाते हैं जगन्नाथ जी बलभद्र जी सुभद्रा जी और सुदर्शन जी का दारू संधान के लिए। सोने से पहले दैतापति 108 बार स्वप्नावती मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद वन जाग यात्रा में शामिल लोग चार दिशाओं में अलग अलग टोली में निकल जाते हैं प्रतिमा के लिए लकड़ी तलाशने। जी हाँ, भगवान के श्री विग्रहों का निर्माण नीम की लकड़ी से होता है और चैत्र शुक्ल दशमी के दिन भगवान से अनुमति लेकर भगवान की सेवा करने वाले दैतापति निकलते हैं वन जाग की यात्रा पर। जगन्नाथ भगवान, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से ही बनाई जाती हैं। और ये नीम की लकड़ी के पेड़ अलग अलग होते हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा के लिए वो नीम का पेड़ चुना जाता है जिनमें ये खासियत होती है। वहाँ पर कुछ संकेत है जहाँ की शंख चक्र चिन्ह रहेगा और पेड़ के ऊपर कोई पक्षी नहीं बसा किया जाएगा और पेड़ के पास एक हुंका जो जहाँ सांप रहता है वो भी रहना चाहिए और पेड़ के पास नदी और पुष्करणी कोई जलाश्रय निश्चित रहना चाहिए, ऐसा ऐसा संकेत पेड़ के पास जरूर रहना चाहिए। हीरापुर में नीम का पेड़ मिलने के बाद भक्तों की भीड़ की सबसे बड़ी वजह है नीम के पेड़ में मौजूद शंख चक्र और गदा के निशान। आप इस समय स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें शंख चक्र और गदा के निशान साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। पहली तस्वीर है शंख की, ध्यान से देखिए, ये वही शंख है जो भगवान अपने हाथ में धारण करते हैं। उसके बाद उस सुदर्शन चक्र की तस्वीर भी देखिए जो भगवान के हाथ में रहता है। इसके बाद गदा की ये आकृति भी इस पेड़ में है और इन्हीं तीनों पवित्र और अद्भुत चिन्हों की वजह से नीम का ये पेड़ इतना विशेष हो गया है। किसी भी नीम के पेड़ से भगवान की प्रतिमा नहीं तराशी जा सकती, बल्कि इसके लिए कुछ विशेष नियम वाले पेड़ की खोज की जाती है। आइए आपको बताते हैं वो नियम। पेड़ का तना सीधा और सुंदर हो, पेड़ की ऊंचाई 7 से 12 हाथ होनी चाहिए, पेड़ में मुख्य 4 शाखाएं हो जो कि भगवान के 4 हाथों की प्रतीक हैं, नीम के पेड़ के नीचे शिव मंदिर हो, पेड़ के निकट शमशान हो, पेड़ की डाल पर पक्षी का घोंसला हो, तूफान से इसकी एक भी शाखा टूटी ना हो, पेड़ के आसपास सांप पहरा देते हो, पेड़ के तने में शंख चक्र गदा जैसे चिन्ह हो, जब इस तरह पेड़ की पहचान हो जाती है तो फिर शुरू होती है उसकी पूजा। वो तो नृसिंह मंत्र में 1000 आहुति दिया जाता है,
पेड़ के नीचे और काटने के पहले, काटने से पहले देखिए यहाँ पर यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद उसके बाद सोना और रूपा कुराड़ी से उनको काटा जाएगा, उसके बाद उसको रथ पर लेकर जाएंगे श्रीक्षेत्र जगन्नाथ जी धाम में। नया सगर बनता है और नया सगर से वो श्री मंदिर की तरफ लाया जाता है, और जो टुकड़ा सब जो पेड़ का है वो सब पाताल किया जाता है और इसी स्थान जहाँ पेड़ था। फिर नई लकड़ी से बनाए गए रथ में पेड़ की लकड़ी रखी जाती है। इस रथ को भक्त उसी तरह खींचते हैं जैसे रथ यात्रा में रथ खींचा जाता है। एक पेड़ को काटने में करीब करीब 7 दिन का समय लगता है। सारी लकड़ियां मंदिर परिसर में पहुंचाई जाती हैं और उसके बाद शुरू होता है श्री विग्रह का निर्माण। तो मंथन में आज बस इतना ही। नमस्कार।